राधे राधे। अब जैसे कि आप जानते हो कि नानी बाई की जो ददिया सास है वो सब सुन रही है कि मेरे पिताजी की कितनी बुरी बेइज्जती ये कर रहे हैं। तो वो जब कुकु पत्रिका, कहते हैं कुकु पत्रिका लिखवा तो दी, मायरा लिखवा तो दिया, अब इसे लेके कौन जाएगा। दादी की जो बहू थी यानी नानी बाई की सास, कहती है कि नरसी नरसी के जो नानी बाई के जो विवाह में गया था वो पंडित अभी घर में ही है, क्योंकि उसके बाद वो बीमार हो गया और बीमार होने की वजह से वो घर से बाहर कभी निकला ही नहीं। अब जब ऐसी बात आई तो कौकल्या जोशी जी का नाम आया। शरीर खत्म हो चुका था, हड्डियों का जाला था, और कहा कि ठीक है ले आओ भाई नरसी जी। नरसी जी की कुकु पत्रिका के लिए अपने कौकल्या जोशी जी को। अब कौकल्या जोशी जी के पास गए, कौकल्या जोशी जी को कहा कि भाई हम तुम्हें तुम्हारे शगुन के पैसे दे देंगे, उधर से नरसी जी से ले लेना। और बोलो शादी में भी बहुत अच्छी शगुन दिया था, अब भी अच्छा देंगे, आप बोलिए हिजमान जो भी है मैं करूँगा। बोले ठीक है। अब घर ले आए, घर ला के कुकपत्री का तैयार की, 30 रुपये शगुन के दिए, खाना पीना अपना रखा। और जैसे ही कोकले जोशी जी चले वैसे ही नानी भाई कहती है कि कोकले जोशी जी ये पत्र मुझे दिखाओ। पत्र लेती है, खोलती है, रोती है और नीचे लिखती है कि मेरे सास और ससुर को तुम्हारी कोई चाह नहीं है, चाह है सिर्फ और सिर्फ मायरे की। किससे क्या ला रहे हो, किससे क्या मंगा रहे हो, इस सब की इनको चाह है, इसके अलावा कोई चाह नहीं है दूसरी। तुम आओ या मत आओ इसे कोई लेना देना नहीं है। अब नरसी जी के विषय में इतनी कड़वी बातें वो लिख देती है कि पिताजी मायरा हो तो ही आना, नहीं तो आना ही मती, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। और ऐसा लिख के प्रणाम पिताजी करके पत्र दे देती है कोकल्या जोशी जी को। कोकल्या जोशी जी कुकु पत्रिका लेकर बैग में रख कर निकल पड़े हैं नरसी जी के पास। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। देखते हैं अगले प्रसंग में।